हेलो एवरीवन, तो हम आज बात करेंगे डीएसयू एग्जाम का पेपर लीक के बारे में। क्या पेपर लीक होता है, क्या नहीं होता है, आखिर पेपर लीक कैसे होता है, और पेपर लीक होने के बाद क्या होता है, जो लीक करवाता है उसको क्या होता है, जो उसमें शामिल होता है उसको क्या होता है, और पेपर लीक हो जाता है तो क्या एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है। तो ये सब हम बारे में बात करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार करिए। और हम चलते हैं फिर डायरेक्टली मुद्दा की बात करते हैं बिन टाइम गवाए। तो कुछ ऐसा हुआ था कि हम लोग का उस दिन दो पेपर था। ये हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर वाइज का जो पेपर होता है वो सब का हम बात कर रहे हैं, ना कि जो आपका एंट्रेंस होता है उसका हम बात कर रहे हैं। हाँ, एंट्रेंस के भी बारे में हम अगला वीडियो हम आपको बताएंगे कि एंट्रेंस में क्या होता है, पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था, कैसे होता है, ये सब बना। ऐसे ही जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। लेकिन और इसमें यह हुआ था कि दो पेपर था एक दिन, और फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट तो एग्जाम हो गया था हम लोग का, और सेकेंड शिफ्ट में देना था, तो उसमें दो घंटे का गैप था। लेकिन पेपर, जैसे हमारा कल पेपर है, दो पेपर आज ही कुछ लड़कों को पता चल गया था कि पेपर लीक हो चुका है। हालांकि पेपर मिला नहीं था, लेकिन जैसे ये था कि आपको हम बताए थे कि जो पेपर होता है तो एक टीचर्स नहीं बनाता है, हर कैंपस का एक अलग अलग मतलब वो होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे डीएसयू का जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं वो सबके वो जैसे क्या हो बोलते हैं टीचर्स जो रहेंगे जो जो सब्जेक्ट के जिसका जिसका पेपर बनाना होगा वो अपना क्वेश्चन पेपर लिख कर डीएसयू को भेजेंगे। डीएसयू सबका मिक्स करके, या फिर अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो अलग से ही पेपर अपना प्रोवाइड कर देगा, और सबका पेपर सेम होता है। तो इसमें ये हुआ था कि डीएसयू का जो मेन ये वाला कैंपस आप देख सकते हैं, ये वाला जो कैंपस था वहां से पेपर लीक हुआ था। और वहां से पेपर, जैसे अब ये है कि हम मान लीजिए कि हम डीएसयू में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे जितनी भी एफिलेटेड कॉलेज हैं कुछ कुछ स्टूडेंट अपने संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग डीएसयू वन है तो हम लोग जैसे आपस में अपना वो एक होता है कि इनेमी आप एक तरह से कर सकते हैं, तो ये सब बना कर रखते हैं कि आपके में क्या हो रहा है, हमारे में क्या हो रहा है, ये सब शेयर करते रहते हैं। तो हालांकि उनको पता चला, तो कुछ कैंपस में पता चला, तो क्या हुआ कि डीएसयू का जो कैंपस का जो लड़के पेपर जिसके पास था वो क्या किए कि एक तरह से बिजनेस फार्मूला लॉन्च कर दिए कि आप हमें पेपर, हम पेपर आपको तभी देंगे जब आप हमें इतने पैसे देंगे, 1,000-2,000 इतना ही था लगभग, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि अब ये नहीं था कि अब हम सबको पेपर दे देंगे, जैसे आप हमारे फ्रेंड हैं या आप हमें जानते हैं तो हम आपसे बात कर लिए और उसके बाद यहाँ भाई हम भेज देते हैं पैसा, तुम हमें दे दो, तुम भी हमें दे दो, ऐसा कुछ तुम भी अपने दोस्त को दे सकते हो, लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ था। तो रात में ही जिसको पेपर मिलना था वो मिल गया था, और हम लोग को जो मतलब पिछला वाला जैसे अब यस्टरडे जो एग्जाम बीता था उसी में कुछ आवाजें आई थी कि पेपर लीक हो चुका है, और जिसके पास लीक हुआ था उससे पूछा गया तो वो मतलब बोला कि नहीं पेपर मेरे पास नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पेपर उसके पास था। और वो बताए तो बताए कैसे, बताएगा तो फंस जाएगा, और उसका काम होना चाहिए। आजकल जानते हैं कि कितने लोग सेल्फिश हो गए हैं, आपका काम बनता तो बाहर में जाए जानता, ऐसा कुछ होता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि पेपर हम लोग गए देने अगले दिन, फिर फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर दे दिए। अब सेकेंड शिफ्ट में तैयारी करनी थी, और हार्ड सब्जेक्ट था, अच्छा टफ सब्जेक्ट था, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोडिंग की बात होती है आप समझ सकते हैं। तो क्या हुआ कि हम लोग बात किए तो वो फिर बोला कि नहीं यार मेरे पास नहीं है, लेकिन जो ग्रुप था, जैसे हर कैंपस में एक ग्रुप बन जाता है आप समझ सकते हैं, जैसे फ्रेंड जोन होता है, जैसे 5-10 लोग एक साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा बात करेंगे, हमेशा शेयर करेंगे, तो ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा कुछ था। तो वो पूरे ग्रुप के लोग जानते थे और हमेशा बातचीत करते थे, तो आपस में सबको शक होने लगा। कुछ लोग गए उनसे पूछने कि यार पेपर अगर लीक हुआ है तो बता दो मुझे। अब अगला आदमी अगर नहीं, आप एक तरह से जलसी हो जाती है, तो वो नहीं बताया, बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं हुआ, तू चला जा, मूड मत खराब कर। अब वो जाके टीचर को कह दिया। अब टीचर को कह दिया तो ऐसा हुआ कि वो टीचर वेरीफाइड करने लगा, वेरीफाई आके चेक किया, फिर लोगों से पूछा, लोगों को लगा कि हाँ चैट, वो डायरेक्टली फिर उसके बाद जो मेन कैंपस तो डीएसयू है, तो डीएसयू को तो पता चल ही गया था कि पेपर लीक हुआ है। फिर उसके बाद ये लोग क्या किए कि पेपर उसको हटा दिए, मात्र 10-15 मिनट की टाइम थी, आखिर में ये करे लोग क्या करें, प्रिंट आउट भी इतना जल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी मतलब है, मान लीजिए स्टूडेंट है, उतना प्रिंट आउट 10 मिनट में कैसे हो सकता है, या फिर आप बहुत सारा प्रिंटर रखिए तब हो सकता है। तो फिर उसके बाद क्या किए ये लोग कि व्हाइट बोर्ड जो होता है उस पर वो लोग क्वेश्चन लिख दिए, और उसके बाद टफेस्ट क्वेश्चन था, जो कि पहला वाला पेपर आया था जो लीक हुआ था बहुत इजी था एक तरह से कहा जाए तो वो लोग लिख दिए उस पर, और हम लोग जैसे किए ये मैक्सिमम मतलब जितनी भी अफिलेटेड कॉलेज हैं वहाँ की हम बातें कर रहे हैं, वहाँ हम पूछे तो ऐसा हुआ था सब बताए, हम कहें वो यार गजब हो गया है। तो फिर उसके बाद जो जो उसमें शामिल था
उसको एक रिपोर्ट दर्ज हुआ है, FIR वगैरह हुआ और मतलब फॉर्म वगैरह भरवाए लोग, अब जो भी करें, और उसके बाद थोड़ा मोड़ा डांटे वगैरह, हाँ हालांकि मारने वगैरह का तो वो नहीं है, और टीचर भी, टीचर के मतलब जो टीचर होते हैं उनका भी, उनके साथ भी कुछ रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुआ, हालांकि कुछ बाद में हुआ नहीं, जो स्टूडेंट है अभी पढ़ रहा है हमारे में और क्लास वगैरह सब चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वो बाहर इंस्टिगेट हो गया, ऐसा नहीं कुछ हुआ, लेकिन ऐसा हुआ था, ठीक है। और इसमें ये हुआ, ये गलती की ये लोग कि अगर पेपर लीक हो जाए तो इन लोग को पोस्टपोन कर देना चाहिए, अगले दिन कर देना चाहिए, लेकिन ये लोग इतनी मतलब वो हैं कि पेपर उसी टाइम करवाए और व्हाइट बोर्ड पे लीक कर, समझिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में ऐसा तो नहीं है छोटे बच्चों जैसा आप पोस्टर पेपर लिख दिए व्हाइट बोर्ड पे और आप करवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ हुआ था और इससे हम लोग को नुकसान हुआ था, जो कि पेपर लीक करवाया था तो वो तो बहुत ज़्यादा गाली वगैरह सबसे सुना था, और अब सामने कोई गाली दे या ना दे, लेकिन जो छुप के देते हैं तो मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं ना, तो ऐसा कुछ हुआ था। तो और भी वीडियो ऐसे जानने के लिए पेपर, और हम ये सेमेस्टर वाइज का पेपर की बात कर रहे थे, अगर आपको इंट्रेंस वाला पेपर के बारे में जानना है तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम अपडेट कोशिश करेंगे कि पर डे देते रहें, रोज वीडियो एक अपलोड करेंगे, क्योंकि हमारा छुट्टी 15 दिन 20 दिन का है, तो 15-20 दिन में हम 15-20 वीडियो का मिशन लेकर चलते हैं, और जो हम मतलब आपके हेल्प के लिए होगा वही हम करेंगे, और अच्छा रिव्यू देंगे, और जितना हो सकेगा वो हॉनेस्टली बताएंगे, हो सकता है हम प्रूफ भी आपको उसमें दिखाएं कि हाँ ऐसे होता है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और क्या बोलते हैं उसे, लाल वाला दबा दीजिए।